हम एन आरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सीडीएम वह भी हम तैयार करना चाहते हैं, तैयार करेंगे। भाई कम से कम हर देश को पता लगना चाहिए हमारे यहां कितने देशी हैं कितने विदेशी हैं, यह तो जानकारी तो रहनी चाहिए। हम किसी के प्रति इनह्यूमन नहीं हो सकते, अमानवीय नहीं हो सकते, उन देशों से बातचीत करके करेंगे, क्योंकि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम बंटवारा करके देश को नहीं ले जाना चाहते, सबको साथ लेकर चलना चाहते। लेकिन हर देश को चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए, उनके कितने लोग देशी हैं कितने विदेशी हैं, अमेरिका को भी चाहिए, रूस को भी चाहिए, इस पर क्यों आपत्ति होती है? हम किसी को मार सकते हैं? अब भाई यहां जो जा सकता है उन देशों से बात करेंगे, उनको वापस करेंगे। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का भी विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है कि हम चीजें में पूछना चाहते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, सुना है कि दहशत भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं यही कहना चाहूंगा सारी राजनीतिक पार्टियों से, डराइए मत किसी को, यह ठीक नहीं है। लोकतंत्र में भय पैदा करके किसी का समर्थन नहीं हासिल करना चाहिए, बल्कि प्यार और मोहब्बत का जज्बा पैदा करके ही समर्थन उसका हासिल करना चाहिए। यह उचित नहीं है, क्योंकि आज आपकी सरकार है, कल हमारी सरकार आ रही है, आएगी नहीं, आ रही है। बहनों भाइयों, हिम्मत के साथ जाइए और अपने मताधिकार का लोकतंत्र में जैसे प्रयोग किया जा सकता है, हिम्मत के साथ कीजिए। यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। डरिएगा मत किसी से, जो आपके ऊपर आक्रमण करे नाम नोट कर लीजिएगा, देखेंगे कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। कानून आज भी जिंदा है, भारत का संविधान आज भी जिंदा है। कोई अन्याय और अत्याचार और जुल्म करके ऐसे नहीं चल सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि चुपो चाओ कमल छाओ, चुपो चाओ कमल छाओ, बोले चुपो चाओ, और तेज बोलिए चुपो चाओ, चुपो चाओ, चुपो चाओ।